हे गाइस, आई होप आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। हेलो आदित्य, हेलो पुष्पेंद्र, हाउ आर यू, हेलो गुरु, हेलो सुपन्ना, हाय आकाश। चलिए तो अभी हमारी क्या क्लास है, आपको पता है हमारी सैटरडे क्लास होती है 11 AM पर वीकली रिवीजन की, ठीक है। और वीकली रिवीजन में आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं 23 मई से 29 मई के करंट अफेयर्स। वॉइस क्लियर है ना? बढ़िया है सब, मस्त रापचिक, गुड मॉर्निंग गाइस। चल तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू एम्बिशियस बाबा डॉट कॉम, और हम कवर करने वाले हैं अपनी वीकली करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आपको पता है, कैटेगरी वाइज बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक देखते हैं। पहला हमारी कैटेगरी है नेशनल न्यूज़, यानी कि राष्ट्रीय समाचार की। राष्ट्रीय समाचार में पहला सवाल बहुत ही आसान सा है, बहुत ही न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन क्या है, नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म विच हैज़ फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल एंड लाइकली टू अफेक्ट। अब देखिए, लाइकली वर्ड को जरा हटा दीजिए, विच अफेक्टेड द कोस्टल पार्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। यानी आपको मुझे उस चक्रवाती तूफान का नाम बताना है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय भागों से टकराया है। और आप सबको इसका नाम पता है, इसका नाम दिया गया था ओमान के द्वारा, ठीक है। ये 2021 में आया हुआ दूसरा साइक्लोन है और इसका नाम है यास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कांटे। चलो ठीक है, आ जा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अंकुर स्कीम। अंकुर स्कीम इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? पंजाब, MP, गुजरात, यूपी और छत्तीसगढ़। बताइए फटाफट। अंकुर स्कीम, मैंने आपको बताया था आपको सेल्फी लेनी है पेड़ लगाने के साथ। और ये स्कीम लॉन्च की गई है किसके द्वारा? ये स्कीम लॉन्च की गई है शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट किचन स्कीम। स्मार्ट किचन योजना इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है? और आपका टाइम शुरू होता है अब। गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा, केरला और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो देखिए, इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में बेसिकली लोन दिया जाएगा विमेंस को अपने किचन के रिफर्बिश के लिए, यानी अपने किचन की जो शक्ल है उसको सुधारने के लिए। और ये स्कीम लॉन्च की गई है पी विजन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि केरला सरकार के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीरो वियर्ड इज न्यू वेंचर लॉन्च बाई मुंजल फैमिली लेड हीरो ग्रुप। द न्यू स्टार्टअप कंपनी इज रिलेटेड टू विच फील्ड। यानी हीरो वर्ल्ड जो स्टार्ट किया गया है हीरो ग्रुप के द्वारा, ये किस एरिया से रिलेटेड है? और आपका टाइम शुरू होता है अब। फूड प्रोसेसिंग, स्पोर्ट्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो हीरो वर्ल्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी ये शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से रिलेटेड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया। तो नेशनल न्यूज इस वीक काफी कम थी। इस वीक सबसे ज्यादा न्यूज आपको देखने के मिलेगी अपॉइंटमेंट में या फिर बैंकिंग में। तो अब आ जाते हैं अपने इंटरनेशनल न्यूज, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में पहली खबर क्या है, विच कंट्री होस्टेड दी ग्लोबल G20 समिट 2021। यानी ग्लोबल G20 शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की, ठीक है। तो आपको पता है G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो अभी किस देश के पास है, वो है इटली के पास,
ठीक है, तो इटली ने ही इसकी प्रेसिडेंसी की है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ 3 ईयर प्रोग्राम फॉर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए इनमें से किस देश के साथ भारत ने एग्रीमेंट साइन किया है? आपके ऑप्शन है इराक, अल्जीरिया, लेबनान, इजराइल और सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 3 साल का ये एग्रीमेंट हुआ है, पहले भी ऐसे एग्रीमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस देश के साथ, और ये देश है इजराइल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल केव पेंटिंग आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी विश्व की सबसे पुरानी पशु गुफा चित्र जो अभी हाल ही में काफी न्यूज में था, ये किस देश में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, और थाईलैंड 2 बार था। अच्छा जी, ठीक है, ओके। एनिमल केव पेंटिंग ये कहाँ पाई गई है? ये पाई गई है इंडोनेशिया में। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। हु हैज सेटअप दी वन हेल्थ पैनल टू एडवाइज ऑन एनिमल डिजीज रिस्क, ये मैंने आपको आज ही पढ़ाया है। पशु रोग के जोखिम, यानी जो पशुओं से या एनिमल से डिजीज होती है, उसकी सलाह के लिए एक वन हेल्थ पैनल की स्थापना हुई है, इनमें से किसके द्वारा? ICMR, WHO, नीति आयोग, UN और UNEP। एब्सोल्यूटली करेक्ट। एंड वन हेल्थ पैनल को 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया है, FAO, OCI और WHO। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट काउंसुलेट इन अड्डू सिटी ऑफ विच कंट्री, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के अड्डू शहर में पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं मॉरिशस, मालदीव्स, म्यांमार, सेशल्स और माली। ठीक है, तो आपको पता होगा अड्डू सिटी के डेवलपमेंट में भी इंडिया ने कई बार एग्रीमेंट पहले किया हुआ है, और ये देश कोई और नहीं, ये देश है मालदीव। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहां हमारी इंटरनेशनल न्यूज खत्म होती है, अब आते हैं बैंकिंग की तरफ। ठीक है, बैंकिंग में पहली न्यूज है, विच बैंक हैज इशूड इंडिया से फर्स्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस टू गिफ्ट IFSC अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ ट्रू बैकन ग्लोबल। तो अभी हाल ही में किस बैंक ने ट्रू बैकन ग्लोबल के गिफ्ट IFSC में वैकल्पिक निवेश कोष में भारत को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निदेशक का लाइसेंस जारी किया है? एब्सोल्युटली बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। अब देखिए गाइज, यहाँ एक वर्ड ऐड हो गया है फर्स्ट। जब भी कहीं फर्स्ट वर्ड ऐड हो जाए ना, तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, RBI हैज इंक्रीज्ड द मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ फुल KYC PPIs टू डैश, यानी RBI ने अभी फुल KYC PPI जो है उसको कितना बढ़ा दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 और 5 लाख। ठीक है, तो पहले ये लिमिट 1 लाख थी, अब RBI ने इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं KYC PPIs की, इसका अमाउंट आपको याद रखना है बढ़ाया गया है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। Which of the following has partnered with Turkey's Paycor to help merchant accept contactless payment? यानी व्यापारियों को संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद के लिए इनमें से किसने टर्की के Paycor के साथ भागीदारी की है? ठीक है, तो आपको पता है ये हमारे देश की मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी आपको फिनेंशियल के प्रोडक्ट मिलेंगे जनरली इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, चाहे वो UPI हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो रुपए कार्ड हो। और ये ऑर्गेनाइजेशन है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अगला सवाल। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रपोज्ड
50 बिलियन यूएसडी ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान रिसेंटली, अभी हाल ही में इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 50 बिलियन यूएसडी की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, एआईआईबी और एनडीबी। बफरिंग, क्लियर है? अभी भी बफरिंग इशू हो रही है क्या? अभी क्लियर है? ओके, एंड द आंसर इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलो आई गेस अभी दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, ये मैंने आपको आज ही पढ़ाया है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक नोट इन सर्कुलेशन हैज इंक्रीज बाई डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली इन 2021। ठीक है, वैल्यू और वॉल्यूम का मतलब क्या है ये मैंने आपको मॉर्निंग में समझाया था। तो ये रिपोर्ट आरबीआई की आई है, उसमें क्या बताया गया है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एंड द आंसर इज 16.8 और 7.2। 16.8 ये वैल्यू बढ़ी है और 7.2 ये वॉल्यूम बढ़ा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एनएचएआई फुल फॉर्म, रितिका मैं आपको एनएचएआई का फुल फॉर्म एंड में बताऊंगी क्योंकि अभी यहाँ एनएचएआई की हम बात नहीं कर रहे हैं, एनपीसीआई की बात की थी। एनएचएआई जो होता है उसका भी फुल फॉर्म मैं आपको एंड में बता दूंगी। ठीक है, एफडीआई इनटू इंडिया हैज ग्रू 19% टू डैश। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2021 में 19% बढ़कर कितना हो गया है? यहां मैंने आपको दो डिफरेंस समझाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक अमाउंट है जो है 59.64 बिलियन यूएसडी, जब इसी में इक्विटी और भी ऐसे बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया जाता है तब ये बन जाएगा 82.22। सो यहां करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has announced to transfer dash surplus to central government for financial year 21। वित्त वर्ष 2021 के लिए RBI जो है वो केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित कर रही है? बताओ फटाफट। ठीक है, ये अमाउंट मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुकी हूँ, कई बार मैंने रिवीजन क्लास में भी ये बताया है, एंड द आंसर इज 99122। क्या है? 99122। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट, फ्रॉड्स रिपोर्ट बाई बैंक हैज फेल बाई डैश इन वैल्यू टर्म्स टू ₹1.38 लाख करोड़ इन 2021। यानी भारत में आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार जो धोखाधड़ी के मामले हैं उस वो कितना परसेंट कम हुआ है और इसका अमाउंट हो गया है 1.38 लाख करोड़ रुपीज। यानी भैया विजय माल्या जैसे लोग थोड़े से कम हो गए हैं हमारे देश में, ऐसा बोलना है। एंड द करेक्ट आंसर इज 25%, 25% कम हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट दो प्रोजेक्शन लास्ट वीक थी, तो एक थी बार्कलेस, बार्कलेस ने कितना बोला है भारत की जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। ठीक है, एक बार्कलेस आया था और एक एसबीआई आया था, दो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बार्कलेस ने कितना बोला था? बार्कलेस ने बोला था 7.7। ठीक, अच्छा, और एसबीआई ने कितना बोला था फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए? फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए एसबीआई ने कितना बोला था? ठीक है, एसबीआई ने बोला था फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए -7.3। ठीक है, तो लास्ट वीक इन्हीं दोनों ने बताया था, नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज कब करना है? एग्जाम से पहले। चलो अब आते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवॉर्ड, यानी कि भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। बढ़िया, शानदार, एब्सोल्यूटली करेक्ट। एंड द आंसर इज शाहजी एन एम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। दूसरी न्यूज देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द ETN गिलचिच अवार्ड इन May 2021, यानी ETN गिलचिच पुरस्कार इस बार किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? आपका टाइम शुरू होता है अब। किसको मिला है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इज हॉकी इंडिया। ठीक, चलो अगले पर आ जाते हैं। हु हैज बीन कन्फर्ड विद स्पेन्स टॉप अवार्ड इन सोशल साइंस प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? ये स्पेन के शीर्ष पुरस्कार में से एक है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल बढ़िया। ये हैं वो जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है और जिनको नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, और इनका नाम है अमृत सेन। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला अवार्ड क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट वोमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर? भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर का नाम आपको मुझे बताना है। आज ही पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, इनका नाम है अश्रिता वी ओलेती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तसांग युनहुंग हैज रिकॉर्डेड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एसेंट ऑफ एवरेस्ट बाई अ वुमेन इन जस्ट 26 आवर्स, शी इज फ्रॉम विच कंट्री? आज ही पढ़ाया है, तसांग युनहुंग जो 26 घंटे में कहां पहुंच गई? एवरेस्ट पर। सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला, किस देश से है ये? एब्सोल्युटली करेक्ट, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका देश कौन सा है? इनकी कंट्री है हांगकांग। कौन सा देश है? हांगकांग। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज वॉन द 2021 टेम्पल्टन प्राइज फॉर लाइफ्स वर्क ऑन एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी? पशु बुद्धि और मानवता पर काम करने के लिए इस बार टेम्पल्टन पुरस्कार से इनमें से किसको नवाजा गया है? यस, बिल्कुल 25 आवर्स 50 मिनट्स, बिल्कुल सही है। हेलो सैम, चलो यहां करेक्ट आंसर क्या है? यहां करेक्ट आंसर है जेन गुडाल। क्या नाम है? जेन गुडाल। सो द करेक्ट आंसर, ज्योति कोई बात नहीं, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू वॉन द रडल्फ वी स्क्लैंडर अवार्ड? रडल्फ वी स्क्लैंडर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सवाल क्लियर है ना? बिल्कुल बढ़िया, मस्त। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नागेश्वर रेड्डी। क्या नाम है? नागेश्वर रेड्डी, एब्सोल्युटली। यहां खत्म होती है हमारी अवार्ड की न्यूज। अब आते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ। अपॉइंटमेंट में पहली खबर क्या है? हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष के रूप में वापस से किसको अपॉइंट किया गया है? और यहां करेक्ट आंसर है नरेंद्र ध्रुव बत्रा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। यस, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ CBI फॉर 2 ईयर्स? अगले 2 वर्षों के लिए CBI के निदेशक के रूप में इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है? और आपका टाइम शुरू होता है अब।
गुड मॉर्निंग, बताइए फटाफट मुझे। तो सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन है? सीबीआई के नए डायरेक्टर हैं सीआईएसएफ के हेड सुबोध कुमार जायसवाल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ओके। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आपका टाइम शुरू हो चुका है, 2 साल के लिए। हाँ ठीक है, तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ बनाए गए हैं राजेश बंसल साहब। कौन बनाया गया है? राजेश बंसल साहब। ठीक है, गोपाल कृष्णन जो है ये पहले थे। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कृष गोपाल कृष्णन ये इससे पहले थे नवंबर में। अभी जो नई अपॉइंटमेंट हुई है वो हुई है राजेश बंसल की। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एमेजॉन? एमेजॉन के सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, सिंपल है, टाइम शुरू हो चुका है आपका, फटाफट आंसर मुझे सब कर दीजिए। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट सीईओ ऑफ एमेजॉन, तो ये है कौन? एंडी जेसी। तो एंडी जेसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द चीफ ऑफ रॉ हु हैज बीन गिवेन अ 1 ईयर एक्सटेंशन रिसेंटली? तो रॉ के प्रमुख कौन है जिनको 1 साल का विस्तार दिया गया है? अच्छा जी, आंसर पहले आ रहा है तो जरा आप लोग आंसर कर दीजिए, टाइम थोड़ा लेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है गोयल साहब, यानी समंत गोयल इज दी चीफ ऑफ रॉ। ठीक, अच्छा अगला सवाल जरा देख लेते हैं। बशर अल असद हैज बीन री इलेक्टेड फॉर द फोर्थ टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? बशर अल असद को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुना गया है? नाम क्या है? नाम है इनका बशर अल असद। और एंड द कंट्री इज सीरिया। एब्सोल्यूटली, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वियना बेस्ड इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अभी किसको चुना गया है? और आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ सुबह भी एक कन्फ्यूजन हुई थी, अभी वापस से कन्फ्यूजन हो रही है गाइस। नीरा टंडन नहीं है, नीरा टंडन को INCB का हेड नहीं बनाया गया है, इनका नाम है जगजीत पवड़िया। क्या नाम है? जगजीत पवड़िया। गलती नहीं करिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नीरा टंडन एक पॉलिटिशियन है ब्रिटेन की। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या है? हु हैज स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन द धर्मशाला बेस्ड तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल? निर्वासन में धर्मशाला स्थित तिब्बती सरकार जो है वहां केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसको चुना गया है? ओके प्रीति, ठीक है देख लीजिएगा एक बार कहीं की। तो जितना मुझे याद है शायद ब्रिटेन की है, बट अगर यूएस की भी है तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहां करेक्ट आंसर है पेनपा तसरिंग, पेनपा तसरिंग। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोज न्यू प्राइम मिनिस्टर? यानी कॉन्गो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसको चुना गया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। नीरा टंडन। ओके ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी। ओके, तो मैंने आपको बताया था कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर कैसे याद रखने हैं। कॉन्गो के प्राइम मिनिस्टर याद रखने हैं मकासो साहब। तो करेक्ट आंसर है एनाटोली कोलिनेट मकासो, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो,
हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कॉमर्स सेक्रेटरी, वाणिज्य सचिव के रूप में अभी किसको अपॉइंट किया गया है, ये हमने आज ही पढ़ा था। जितने भी सचिव हैं आपको सारे सचिव की नाम याद रखना पड़ेगा, और जो लेटेस्ट अपॉइंट हो रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ करेक्ट आंसर है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम इज द न्यू कॉमर्स सेक्रेटरी, नए वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये यहाँ आ गए हैं, कोई बात नहीं, इनको अवार्ड में पहुँचा दिया जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ इंटरनेशनल ENI अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय ENI पुरस्कार 2020 से इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? सवाल सिंपल है, नाम बहुत बड़ा है, जितने भी मतलब आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसको 60 यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से डॉक्टरेट मिला हुआ है उनका लेवल क्या होगा। और ये नाम कोई और नहीं, ये नाम है CNR राव। ठीक है, CNR राव आजकल रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं, हाइड्रोजन बेस्ड, और उनको इसी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। नेम द हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हु हैज बीन गिवन अ 1 ईयर एक्सटेंशन। ठीक है, यानी IB के प्रमुख जिनको एक साल का विस्तार दिया गया है, क्या है उनका नाम? हाँ बिल्कुल, यस। ठीक है, और इनका नाम है क्या? अरविंद कुमार। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। गुलिलर्मो लासो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, यानी गुलिलर्मो लासो को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने, चैड, एक्वाडोर, मॉरिटानिया, बुर्किना फासो और बेनिन। ठीक है, मैंने मैप में आपको ये देश दिखाया था, और ये देश कौन सा है? ये देश है एक्वाडोर। ठीक, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाई IFSCA, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? ये मैंने आज आपको रिवाइज भी कराया था। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीलेश शाह। क्या नाम है? नीलेश शाह। तो नीलेश शाह याद रखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखिए, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 2021-25 से 25 की अवधि के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल के में इनमें से किसको चुना गया है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 15th CM ऑफ असम, यानी हिमंत बिश्वा शर्मा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनमें से किसको चुना गया है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ है गाइस, जरा मुझे फटाफट ये भी बता दीजिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही हैं आप लोग, एंड द आंसर इज प्रशांत कुमार मिश्रा। ठीक है, तो प्रशांत साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस बने हैं कहाँ के? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहाँ है, काफ़ी कंफ्यूजन हुई थी बच्चों को, तो मैं वापस इसे रिवाइज करा देती हूँ, ये बिलासपुर में है, रायपुर नहीं टिक करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has chaired the 74th World Health Assembly? 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता इनमें से किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? वही है ना जो हेड हैं, हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, और इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चांदनी चौक से। बिल्कुल, चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी। यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक और कैटेगरी, अब आते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, यानी खेल समाचार।
खेल समाचार में आपके पास पहली खबर ये है कि इन विच कंट्री फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2022, यानी अक्टूबर 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित कराया जाएगा। ज्योति मुझे याद नहीं है क्वेश्चंस के नंबर आज, ठीक है। यहां जो देश है वो देश है भारत, यानी कि इंडिया, ठीक। ये अच्छा ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। मुझे लगा कि अपॉइंटमेंट की न्यूज यहां आ गई, बट क्योंकि ये स्पोर्ट्स न्यूज है इसलिए यहां आई है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। गाइज बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल मैं यहाँ आपको नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास में इससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो यहाँ मैं सिर्फ रिवीजन कराती हूँ, ठीक है ना। एंड इनका नाम है शामी सिल्वा, ठीक है। शामी सिल्वा जो हैं ये प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। विच F1 रेसर हैज वॉन द मोनैको ग्रैंड प्रिक्स 2021? मोनैको ग्रैंड प्रिक्स 2021 को इनमें से किसने जीता है, सोच कर आंसर देना, सब गलती नहीं करना कोई भी, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, नॉर्मली इस साल जितने भी हुए हैं आपको दो विनर मिले हैं, या तो लुइस हैमिल्टन या फिर मैक्स वेटेस्पन। यहां जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो वेटेस्पन साहब इस बार जीते हैं मोनैको ग्रैंड प्रिक्स 2021। रेड बुल नेदरलैंड्स बिल्कुल सही है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द यूरोपियन गोल्डन बूट? यूरोपियन गोल्डन बूट इनमें से किसने जीता है इस बार? साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट किसने जीता है, और आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपियन गोल्डन बूट की। इसको जीता है बायर्न म्यूनिख क्लब से, ये खेलते हैं पोलैंड से ये आते हैं, और इनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, ठीक है। ईपीएल में किसने जीता है? ईपीएल में जीता है हैरी केन ने, ठीक है। हैरी केन का जो क्लब है वो है टॉटेनम। सूरज कोई बात नहीं, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हैज बीन रिनेम्ड आफ्टर? मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम, और आपको मुझे इनका नाम बताना है। टॉटनहम हॉटस्पर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो कौन है, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है बलबीर सिंह सीनियर, यानी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर अब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम होगा। आपको इनके बारे में डिटेल्स तो पता ही है, ठीक। चलो, विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द ला लीगा टाइटल 2021? ला लीगा 2020-21 का खिताब इनमें से किस क्लब के द्वारा जीता गया है? ला लीगा एक स्पेनिश टूर्नामेंट है, और उसको किसने जीता है ये आपको मुझे बताना है। एब्सोल्यूटली बिल्कुल बढ़िया, सही है बिल्कुल। यहाँ कंफ्यूजन दिखता हुआ बार्सिलोना, क्योंकि सबसे फेमस क्लब है। देखिए दो सबसे फेमस क्लब रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, दोनों ने इसको नहीं जीता है, इसको जीता है एटलिको मैड्रिड ने, ठीक है। किसने जीता है? एटलिको मैड्रिड ने। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा सी करेक्ट आंसर होगा। हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021? जेनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब इनमें से किसने जीता है? और आपका टाइम नहीं दे सकती क्योंकि आंसर पहले आ रहा है, ठीक है। तो इनका नाम है कैस्पर रूड, ठीक है। कैस्पर रूड वो पर्सन है जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल एट जेनेवा ओपन जीता है, ठीक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हमारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ ख़त्म होती है, अब आते हैं डिफेंस की तरफ। डिफेंस की तरफ ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, पहली न्यूज़ है
रिसेंटली हु इज प्लानिंग टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट टू सर्च वाटर ऑन मून इन 2023। तो अभी रिसेंटली किसने प्लान किया है कि 2023 में वो रोबोट वाइपर भेजेगा कहाँ, चांद पर पानी की खोज में, साउथ पोल की तरफ। ठीक है, और ये कौन है, ये है नासा। ठीक है, सो नासा इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला देखो, डिफेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च सेहत ओपीडी पोर्टल, वॉट डज एस स्टैंड फॉर इन सेहत ओपीडी पोर्टल। तो सेहत ओपीडी पोर्टल अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें एस स्टैंड फॉर। ठीक है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सर्विसेस। ठीक है, मुझे जरा सेहत का फुल फॉर्म बताइएगा, पूरा फुल फॉर्म एंड में या फिर कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। अब आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर की तरफ। बुक्स एंड ऑथर में हमारे पास जो एक न्यूज़ है वो है सच कहूँ तो इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ठीक है, सच कहूँ तो ये किसकी आत्मकथा है। ठीक है, वैसे तो ये आंसर सामने थोड़ा सा विजिबल है बट मैं, ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है नीना गुप्ता। ठीक है, नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है सच कहूँ तो। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नेहरू तिब्बत एंड चाइना। नेहरू तिब्बत एंड चाइना जो बुक है इसके लेखक का नाम क्या है। बिल्कुल सही है, सेहत का फुल फॉर्म आप सब बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में उन्होंने ये बुक लिखी है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, नेहरू तिब्बत एंड चाइना इस बुक, ये जो बुक है इसके ऑथर हैं अवतार सिंह भसीन। कौन है, अवतार सिंह भसीन। चलो, रैंकिंग और इंडेक्स में हमारे पास सिर्फ एक न्यूज़ है और वो क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग हु बिकेम द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया। ब्लूमबर्ग के अनुसार एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन है। ज्योति क्या हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, सबसे अमीर कौन है, अंबानी साहब, और दूसरे सबसे अमीर हैं अडानी साहब। दुनिया में सबसे अमीर कौन है, जेफ बेजोस। ठीक, ओके ज्योति, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है क्या, करेक्ट आंसर है अडानी साहब। ओबिचरी जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, ठीक है, एमएस नरसिम्हन पासेस अवे रिसेंटली ही वाज डैश। एमएस नरसिम्हन जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे। यस, देखिए 12th 14th ये रैंक जो है ना ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। ओके, तो आपको एक पोजीशन बस ये ध्यान रखनी है कि एशिया में कौन टॉप पर है, सेकंड टॉप पर कौन है, और दुनिया के सबसे अमीर कौन है। ठीक है, क्योंकि ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, आपको पता होगा बीच में एलन मस्क सेकंड पर थे, बर्नार्ड अर्नोल्ट थर्ड पर थे, फिर वो ऊपर नीचे हुए, तो ये होता रहता है। ठीक है, और यहाँ करेक्ट आंसर है मैथमेटिशियन गणितक। ठीक है, श्री कुमार बनर्जी पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज डैश। श्री कुमार बनर्जी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे। अब इस वीक न्यूज ज्यादा आई है तो उसको कवर तो करेंगे ना। यस एब्सोल्युटली, यस बेन, बिल्कुल। ठीक है, श्री कुमार कौन थे, श्री कुमार थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी कि परमाणु वैज्ञानिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। इसके बाद नेम द वीर चक्र अवॉर्डी हीरो ऑफ बैटल ऑफ पुंच ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हु पास्ड अवे रिसेंटली। यानी वीर चक्र से सम्मानित 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पुंच की लड़ाई के नायक कौन थे। और इनका नाम आप सबको पता है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पंजाब सिंह। पंजाब सिंह इज द करेक्ट आंसर। ज्योति कृष्णा दत्त हु हैज पास्ड अवे वॉज द फॉर्मर डीजी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ज्योति कृष्ण दत्त जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया वो इनमें से किस संगठन के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, डीआरडीओ, आईसीजी, एनएसजी, सीआईएसएफ और सीएपीएफ।
ठीक है, और ये NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के फॉर्मर DG रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा, HS दोरेस्वामी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश। HS दोरेस्वामी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? MA गणपति अभी NSG के हेड हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। NS दोरेस्वामी जो हैं ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। अच्छा, यहाँ शायद मैंने क्लास में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम दी थी, राम लक्ष्मण जोड़ी में हु पास्ड अवे रिसेंटली। अच्छा, राम लक्ष्मण जो हैं इनमें किसकी डेथ हुई है? जरा बताइए मुझे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन ये एक जोड़ी है जिसमें लक्ष्मण जो है ना इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये म्यूजिक कंपोजर थे, हम आपके हैं कौन इस टाइप की बहुत सारी मूवीज की, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें लक्ष्मण की डेथ हुई है इस डुओ में। हाँ, ये अलग अलग हैं, राम और लक्ष्मण एक डुओ जोड़ी है जो म्यूजिक कंपोजर काफी फेमस जोड़ी हुआ करती थी, इसमें से जो लक्ष्मण है ना इनकी डेथ हुई है। हाँ प्रीति, उस दिन आपने बोला था, बाद में मैंने देखा वो रह गया था बताना, तो मैंने ये क्लियर कर दिया ताकि आप लोग गलती ना करें, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये आखिरी सवाल था, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 22 में इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, थीम वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। 23 में वर्ल्ड टर्टल डे, थीम टर्टल रॉक्स। 24 में कॉमनवेल्थ डे, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। 25 इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड थायराइड डे। 28 में वर्ल्ड हंगर डे, थीम एक्सेस एंड्स हंगर, ठीक है। एंड 28 में द इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर विमेन्स हेल्थ या इंटरनेशनल विमेन्स हेल्थ डे। ये थी हमारी इस वीक की करंट अफेयर्स। क्या मेरी बात आपको क्लियर हो गई? क्या पूरे वीक की न्यूज क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा गाइस, मेरे पास वैसे तो मुझे नहीं लगता मुझे इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत है, बट मेरे पास बहुत सारे कई सारे बच्चों ने मैसेज किया और उन्होंने बोला कि मैम आपने खान सर के रिगार्डिंग कुछ क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो गाइस देखिए, पहली बात तो खान सर के लिए कुछ बोलने का लेवल नहीं है मेरा, ही इज़ लेजेंड, ठीक है। वो लेजेंड हैं और लेजेंड जब कोई बहुत ऊँचाइयों पर होता है ना तो लोग उनको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, सेम केस खान सर के साथ है। उनका नाम खान हो, उनका नाम सिंह हो, कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? वो जो आपको पढ़ाते हैं वो अलग लेवल का पढ़ाते हैं, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है खान सर के रिगार्डिंग कि क्या है क्यों है, उनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सफिशेंट है, उनकी नॉलेज, उनका जो भी चीज़ें वो देते हैं, सिंपल सी बात है, वो लेजेंड है और उनको किसी भी सपोर्ट या उनके रिगार्डिंग किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस सिंपल सी बात है, खान सर हैं, बिल्कुल। देखिए मैं बता देती हुआ क्या था, जो पूरी स्टोरी है खान सर ने, मतलब अगर किसी इंसान को, किसी टीचर को भी, इस लेवल के टीचर को सामने आकर ये क्लैरिफाई करना पड़े, तो वो एक्चुअल में जिन लोगों ने वो वीडियो या जिन लोगों ने वो ट्वीट ट्रेंड किया है ना, उनसे बेकार इंसान नहीं है, ठीक है। मेरे पास कुछ कभी कई कई बार आपके पास वर्ड्स नहीं होते ना, तो मेरे पास वो वर्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर जो अपना बेस्ट दे रहा है
उस पर आप उसके नाम को लेकर उसकी किसी एक वीडियो का एक छोटा सा क्लिप निकाल कर उसको सर्कुलेट कर दो। ये क्या है, मतलब एक लेवल रखो कि अपने चैनल पर व्यूज लाने के लिए आप लोग कुछ भी करोगे। ठीक है, राजा खान सर बेसिकली ही इज अ यूट्यूबर, ही इज अ टीचर एंड ही इज अ लेजेंड टीचर। ठीक है, वो कुछ सिंपल सिंपल चीजों को इतने इस एक अलग तरीके से समझाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए एक्चुअली एक वीडियो थी उनकी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये मैटर कहाँ से शुरू हुआ, बट उनकी एक वीडियो थी पाकिस्तान के ऊपर। एक्चुअली आपको पता होगा कि फ्रांस में, फ्रांस के जो बेसिकली अम्बेसडर हैं उनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा था, काफ़ी उनको वो किया जा रहा था, तो उसके रिगार्डिंग उनकी एक वीडियो थी। उसी वीडियो पर उन्होंने जो बोला उससे क्लिप निकाली गई और उसी क्लिप को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने इसराइल और पैलेस्टाइन व्यू पर जो एक प्रैक्टिकल चीज़ बोली थी उसी वीडियो को कुछ क्लिप निकाली गई और उसको किसी और तरीके से बोल दिया गया। ठीक है, तो ये वो बेवकूफ़ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, बस ये किसी एक चीज़ को उठाकर या किसी एक इंसान को उठाकर जो पॉपुलर है अपने चैनल को पॉपुलर कराते हैं। यूट्यूबर मतलब कि यूट्यूब पर उनकी बेसिकली क्लासेस अवेलेबल है। देखिए जब भी यूट्यूबर वर्ड बोला जाए ना, यूट्यूबर का मतलब ये होता है वो सारे इंसान जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो वो यूट्यूब पर अपनी, देखिए वो ऑफिस बेसिकली ऑफलाइन या ऐप पर जहाँ पढ़ा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। यूट्यूबर का मेरा सिंपल सा मतलब है कि वो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले एक टीचर हैं जिसके थ्रू हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं पटना नहीं गई हूँ, तो मैं ये पटना पर मैं कभी उनसे मिली तो हूँ नहीं, मैं यूट्यूब के थ्रू ही मैंने उनकी वीडियोस या उनके बारे में जो मुझे पता है, तो इसलिए मैंने वर्ड यूट्यूबर यूज़ किया है। ओके ठीक है, ठीक है। खान सर नाम से ही उनका चैनल है। एग्जैक्टली चैनल तो मुझे पूरा नाम नहीं याद है, बट खान सर नाम से ही है। एग्जैक्टली चलो तो गाइस इसी के साथ सेशन को मैं यहीं रैप अप करती हूँ। ओके, मैंने सिर्फ ये बात या ये टॉपिक सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपने कोई व्यू नहीं रखा इस पर, तो मेरा व्यू यही है। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हुई होंगी, आज की न्यूज़ क्लियर हुई होगी, आज का रिविजन सेशन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यस, तो चलिए सेशन को रैप अप करते हैं। आज है सैटरडे, तो अब हम नेक्स्ट कब मिलेंगे, अब हम नेक्स्ट मिलेंगे मंडे को, मंडे को 11 AM पर हम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मंडे को मिलते हैं 11 बजे अपने करंट अफेयर, मंडे को 8 बजे मिलते हैं अपने करंट अफेयर्स क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।